नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हमारे पास है वर्ना की हाफ HP मोनोब्लॉक मोटर, जो कि हमें हर घर में यूज आती है दोस्तों। और कई बार दोस्तों हमें ध्यान नहीं रहता मोटर को, कई बार रात को बरसात में भीग जाती है या फिर किसी और कारण से मोटर के अंदर पानी चला जाता है। दोस्तों वाइंडिंग में अंदर पानी जाने के बाद किस टाइप से ठीक करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो दोस्तों मोटर को खोलकर सुखाने के बाद भी यदि आपकी मोटर नहीं चल पा रही है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको ठीक करनी है। तो दोस्तों फर्स्ट में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए कंप्लीट मोटर को हमने खोल लिया है और ये देखिए पानी जो मोटर के कवर है उसके अंदर भी पानी लगा हुआ है अभी तक। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं पानी की बूंदें कवर के ऊपर अंदर जमी हुई है दोस्तों। और मोटर का जो स्टेटर है देखिए वर्ना कंपनी की मोटर है, तो ये देख पा रहे हैं जो स्टेटर है हमारा पानी से बिल्कुल पीला हो गया है अंदर से। और रोटर के ऊपर भी देखिए पानी जमा हुआ है और बिल्कुल जंग लगा हुआ है पार्ट के अंदर, मोटर के अंदर। तो दोस्तों कई दिनों तक लगभग मोटर के अंदर पानी भरा रहा है इसके अंदर, तो इसे हम इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट ठीक करके दिखाएंगे। वीडियो को स्किप कहीं से नहीं करना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए दोस्तों। और आपको बताएंगे देखिए ये इस मोटर का हेड है वर्ना, हेड के ऊपर भी वर्ना जो बिल्कुल ढला हुआ है जो हेड, उसके ऊपर भी वर्ना लिखा हुआ है ताकि आपको पता लगे कि मोटर यही है। तो दोस्तों देखिए जो इसका स्टेटर है इसे एक बार थोड़ा फिजिकली गौर से देखेंगे हम, कहीं से कोई वायर जला हुआ तो नहीं, क्योंकि कस्टमर ने दोस्तों इसको चला दिया है। मोटर चलाने के बाद यदि आप चला देते हैं जब थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है वाइंडिंग ख़राब होने का, तो दोस्तों वाइंडिंग को ठीक करने के लिए हमें देखिए फर्स्ट में जिस साइड में ज़्यादा पानी है या कनेक्शन साइड से हम इसे खोल कर देखिए जो स्टार्टिंग कॉइल है इसको हम इस टाइप से उठा लेंगे दोनों कॉइलों को। दोस्तों उठाते वक्त ध्यान रखें रनिंग का कोई वायर आपका टूट ना जाए और बिल्कुल सेफ्टी से काम करना है आपको। यदि मोटर बिल्कुल टाइट है तो उसको आप थोड़ा सा करंट देकर हीट कर लें मोटर को। हीट करने के बाद में दोस्तों आराम से वारने से जो लूज हो जाती है और काफ़ी आसानी से कॉइल ऊपर की तरफ खुल जाती है इसकी। तो दोस्तों गौर से देखेंगे कॉइलों को उठाकर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो देखिए जो मेन जो शॉर्टिंग है यहाँ पे आई है इस मोटर में। तो दोस्तों इस मोटर को चला दिया था इसकी वजह से इसके अंदर शॉर्टिंग हुई है। और पानी से देखिए स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल दोनों आपस में मेल्ट हो गई और जो पेपर है पेपर भी जल के डैमेज हो गया देखिए। तो दोस्तों फर्स्ट में हमें देखिए आसानी से सभी वायर जो स्टार्टिंग और रनिंग के हैं चिपके हुए हैं उनको अलग कर लेना है काफ़ी सावधानी से, कोई वायर आपका टूट ना जाए वरना आपको मोटर को कंप्लीट ही रिवाइंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल सभी वायर अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद में देखिए PVC सेपरेटर का हम यूज करेंगे, क्योंकि 7 नंबर PVC पेपर है हमारा वाइंडिंग वाला। इस टाइप के हम दो पीस में सेपरेटर बनाएंगे। दोस्तों दो पीस के सेपरेटर से मोटर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है और सेपरेटर बिल्कुल अच्छे से लग जाता है, तो पूरा वन पीस में आप नहीं लगाएं। 2800 RPM की मोटर में आपको टू पीस में लगाना है दोस्तों, और यदि 1400 RPM की मोटर है तो उसके अंदर आप बिल्कुल वन पीस में लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सेपरेटर को बिल्कुल सावधानी से लगाना है, कोई वायर कट ना जाए और बिल्कुल स्टार्टिंग रनिंग का एक भी वायर क्रॉस नहीं रहना चाहिए, टच नहीं रहना चाहिए। देखिए एक सेपरेटर हमने लगा दिया, उसके बाद दूसरा सेपरेटर, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल के सभी वायर सेपरेटर के अंदर होने चाहिए। तो दोस्तों ये जो वायर है ये हमारा एक वायर है जो देखिए यहाँ से टूट गया है इस कनेक्शन से, तो इसे हम जोड़ेंगे दोबारा से दोस्तों। तो दोस्तों स्लीव निकालकर वायर को निकाल लेंगे बाहर जो कनेक्शन वायर है, उसके बाद में इस वायर को छीलकर हम सीधा इसी को ज्वाइंट करेंगे। तो दोस्तों वायर को अच्छे से छील लेना है, उसके बाद में दोस्तों इस टाइप से
जो कनेक्शन वायर है उसके ऊपर इसको हम वापस से लपेट कर और स्लीव को ऊपर से चढ़ा देंगे। तो दोस्तों देखिए ये वायर भी डैमेज हो गया था इसलिए टूट गया है दोस्तों, तो हमने इसे जोड़ दिया। दोस्तों काफ़ी सावधानी रखनी है दोस्तों, वायर थोड़े हार्ड हो जाते हैं पुरानी वाइंडिंग में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सभी वायरों को बिल्कुल आराम से सेट कर लें, कॉइलों को बिल्कुल दबाकर और एकदम सेट कर दें। ये देखिए कनेक्शन वायर को भी हम सेट कर देंगे। तो दोस्तों कनेक्शन वायर बिल्कुल सेट करने के बाद में धागे से पूरी वाइंडिंग को दोबारा से कवर कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल टाइट से, ताकि कोई वायर इधर उधर अपसेट ना रहे और बिल्कुल कॉइल के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं रहे। अच्छे से खींच कर पूरे पर धागा सेट कर देंगे। दोस्तों धागा सेट करने के बाद में देखिए हम जो हमारा प्लास है उसकी मदद से कॉइलों को बिल्कुल ठोक कर सेट कर लेंगे यदि कोई कॉइल थोड़ा ओवर है तो। तो दोस्तों अब इसमें हम वार्निश करेंगे अच्छे से, बिल्कुल जहाँ पे शॉर्टिंग है उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा वार्निश डालेंगे हम, ताकि मोटर बिल्कुल लंबे टाइम तक ठीक चले। तो दोस्तों वायरिंग ओके हैं मोटर के, हेड भी जाम नहीं है। मोटर को सूखने के लगभग 2 घंटे बाद में मोटर को हम फिट कर लेंगे। ये देखिए स्टेटर को दोस्तों काफ़ी सावधानी से डालना है ताकि कोई वाइंडिंग का वायर कट ना जाए आपका। ये देखिए इसका बैक कवर, दोस्तों बैक कवर को भी सेट कर दिया है। उसके बाद में स्टेटर के तीनों पेच हैं इसके नट टाइट कर लेंगे बिल्कुल वन बाय वन। दोस्तों मोटर का क्रॉस निकल चुका है वैसे इसका, ये देखिए फैन को लगा देंगे। जो फैन की पिन है उसे भी लगाने के बाद में देखिए कैपेसिटर इसमें थिम्बल वाला है दोस्तों, तो हम इसे लगा देते हैं इसमें बिल्कुल आसानी से। कैपेसिटर लग चुका है दोस्तों, पिन को पूरा अंदर डाल देंगे और इधर से इसे पिन का जो मुंह है उसे खोल देंगे ताकि पिन निकले नहीं, बाकी टाइट है निकलती नहीं है। तो दोस्तों टेस्टिंग लेंथ में हमने मोटर का मेन लीड लगाया है, बिल्कुल कंटिन्यूटी ओके आ रही है मोटर की। डायरेक्ट सॉकेट में हम सप्लाई देंगे मोटर को। और दोस्तों देखिए एक वायर को हम क्लैंप टेस्टर में लगा के, क्लैंप टेस्टर को एसी एम्पियर 200 पे किया है। तो दोस्तों मोटर रन कर रही है आराम से, 2.6 2.5 एम्पियर आ रहे हैं आराम से, बिल्कुल मोटर ओके हो गई दोस्तों बिना वाइंडिंग किए, बिल्कुल अच्छी चल रही है मोटर। तो दोस्तों बिना वाइंडिंग किए हमने इसे ठीक कर दिया है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप से आप मोटर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। चलिए इसका जो कनेक्शन बॉक्स है उसे पैक कर लेते हैं। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, यदि मोटर में पानी चला जाए तो उसे आप तुरंत खोलकर, और कोई आपके पास एयर गन या कोई भी ब्लोअर वगैरह हो उससे आप पहले मोटर को एयर से साफ़ करें, पूरा पानी निकालें, उसके बाद में मोटर को सुखाएं। मोटर सुखाने के बाद भी यदि आपकी मोटर चल नहीं पाती है तो दोस्तों इस टाइप से आपको मोटर की वाइंडिंग सेपरेटर में से क्रॉस मिलेगा, जिसे आप आराम से ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसी ज़्यादा जानकारी के लिए मोनोब्लॉक या किसी भी मोटर के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उसके लिए दोस्तों रिप्लाई ज़रूर करेंगे हम। तो दोस्तों लास्ट में मोटर हमारी कंप्लीट हो गई है बिल्कुल, कोई खर्चा भी नहीं आया मोटर के अंदर। तो दोस्तों जो हमारा इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो है, जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 1400 RPM की जो मोटर है हमारी, जिसको हमने वाइंडिंग और इसका हेड कंप्लीट किया है, तो इसके बारे में आएगा दोस्तों, तो काफ़ी जल्दी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों टैक्समो से भी काफ़ी अच्छी और पावरफुल मोटर है ये।
टेक्समो का जो स्टेटर है हमारा 32 स्लॉट के अंदर आता है दोस्तों। 24 स्लॉट की मैंने भी फर्स्ट बार ये मोटर देखी है, तो इसका वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी जल्दी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।